हेलो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये टाइम है रात का, जब डिनर विनर करने के बाद फिर मैं यहाँ पर मूंगफली सेक रही थी और यहाँ पर चिप्स फ्राई कर रही थी, क्योंकि डिनर मैंने नहीं किया था। एक्चुअली मेरा फास्ट था, तो मैंने मतलब 3 या 4 बजे तक ही खाना खा लिया था। फिर उसके बाद फिर इन दोनों के लिए बनाया था डिनर, हनु के लिए और उसके पापा के लिए। और उसके बाद फिर मुझे रात को भूख लगने लगी, तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए ये चिप्स वगैरह फ्राई कर रही थी और इन दोनों के लिए भी कर रही थी, क्योंकि इनको भी ये बहुत पसंद है। तो इनको मिर्ची और नमक डाल के दे दूँगी और मैं अपने लिए सिंपल ही फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने तेज पत्ता चलाया, क्योंकि इसकी खुशबू से घर में मतलब पॉजिटिविटी आती है और मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो अभी यहाँ पर मैं वही चिप्स फ्राई कर लूँगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी देर स्टडी करने के लिए भी चली जाऊँ, क्योंकि अभी इसके पापा हैं तो वो इसको रख लेंगे, तो इस वजह से मैं अपने लिए कर रही हूँ। क्योंकि फिर अगर मैं खाऊँगी नहीं तो फिर मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं रात को मतलब डिनर करने की आदत है ना, तो काफ़ी कम ही मैं फास्ट रखती हूँ। पर अभी ये मंडे के फास्ट मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और आज मैंने खाना थोड़ा जल्दी ही खा लिया था, इस वजह से फिर मुझे दोबारा से भूख लगने लग गई थी। तो फिर मैं अपने लिए ये बना के ले आई और यहाँ पर फिर स्टडी करने बैठ गई थी। और अभी 8:45 का टाइम हो रहा है, यानी कि 8:47 लगभग 9 बजने वाले हैं। और यहाँ पर अभी मैं स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं रिवीजन कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था मैथ्स में, और लगभग मैंने 10:30 तक स्टडी की थी। मतलब लगभग 11:15 ही बज गए थे, 10:40-10:45 का टाइम हो गया था। और फिर 11 पे मैं चली गई थी सोने के लिए। और अभी ये है मॉर्निंग का टाइम, तो उठने के बाद मैं आ गई थी फिर यहाँ पर किचन में। और मैं डेली ये अपना रूटीन करती हूँ कि पानी गर्म करके ही मैं ब्रश करती हूँ सुबह, और फिर उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई थी। तो सब्ज़ी में आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, रात को लाए थे सब्ज़ी मेरे हस्बैंड, तो मैंने धो दी थी वो, और फिर उसके बाद सूखी नहीं थी वो, तो फिर मैंने उनको धोने के बाद मैं कपड़े पे फैला दिया था, तो वो रात भर में अभी ड्राई हो गई है। और यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी है, और चाय चढ़ाने के बाद फिर साथ साथ में मेरा इधर काम भी चल रहा था और फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि अभी विंटर्स है तो गर्म गर्म चाय पीना अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आजकल चाय बना लेती हूँ। वरना गर्मियों में तो मैं सब काम फिनिश करने के बाद लास्ट में चाय पीती हूँ, और वो भी बिल्कुल थोड़ी सी। पर अभी विंटर्स है तो विंटर्स में चाय पीना मुझे अच्छा लगता है। और आपको चाय पीना पसंद है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं यहाँ पर अदरक वाली चाय बना रही हूँ अपने लिए, और साथ में सब्जियाँ भी कट कर रही हूँ। और मॉर्निंग में मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती हूँ, बस हनु के लिए बनाती हूँ, सब्जी थोड़ी बना लेती हूँ मतलब दोनों के लिए। और मेरे हस्बैंड तो अभी चले गए हैं सुबह, तो उनके लिए मैंने खाना नहीं बनाया है, और बस अभी मैं उनके लिए बनाया है आज, क्योंकि मैंने आज उनको टिफ़िन नहीं दिया है। और यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने के बाद तुरंत ही मैं साथ में सब्जी चढ़ा दूँगी और आटा लगा के फिर हनु के लिए पराठे सेक दूँगी गर्मा गर्म, क्योंकि पहले मैं चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद मैं पराठे बनाने लगूँगी। और आज मैं चाय में शुगर नहीं डाल रही हूँ, मैं गुड़ डाल रही हूँ, तो गुड़ में मतलब उसको चढ़ाती हूँ तभी नहीं डालती हूँ, उसको बंद करने के बाद फिर छानती हूँ तभी डालती हूँ, क्योंकि उससे क्या है फिर चाय फट जाती है, तो इस वजह से मैं फिर बाद में ही डाल लेती हूँ। वैसे भी मेरे पास जेगरी पाउडर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो गर्म चाय में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। और अभी सर्दियों में गुड़ वाली चाय पी सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छी भी लगती है। तो
फिर उसके बाद तुरंत ही मैं सब्जी चढ़ा दी थी, क्योंकि फिर साथ के साथ काम करते रहो तो अच्छा रहता है। मैं सब्जी बना के और फिर थोड़ी देर बैठ के, फिर मतलब चढ़ा के और जब तक वो पकती है तो थोड़ी देर बैठ के चाय पी के आऊँगी, और उसके बाद फिर मैं हनु के लिए पराठे सेक दूँगी यहाँ पर। तो ऐसे ही मैं काम करती हूँ वन बाय वन, जिससे मुझे भी थोड़ा आराम मिल सके और मैं स्टडी भी कर सकूँ। और अभी विंटर से तो मॉर्निंग में उठना और ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मन नहीं करता है उठने का, मगर फिर भी अब हमें काम भी करना है और स्टडी भी करनी है, तो फिर सब कुछ मैनेज करने के लिए हमें थोड़ा जल्दी तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो फिर कुछ खोना तो पड़ेगा ही सही। तो फिर हमें इसीलिए हमारी नींद का सेक्रीफाइस करके और जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं रात को सोई थी 11 बजे, तो मैं आज उठते ही और किचन में आ गई हूँ, क्योंकि पढ़ने का मेरा मन नहीं हो रहा था सुबह सुबह, तो इस वजह से फिर मैंने किचन में ही काम किया और उसके बाद फिर मैं बाद में स्टडी करूँगी, क्योंकि हनु अभी जल्दी आ जाता है तो फिर स्टडी इतनी अच्छे से हो नहीं पाती है, इसीलिए मैंने कल नाइट में स्टडी की थी। तो अभी नाइट में भी स्टडी करना धीरे धीरे मैं स्टार्ट कर रही हूँ टाइम बचा के, क्योंकि दिन में अच्छे से नहीं हो पाती है, तो फिर कहीं ना कहीं पे तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। इस वजह से मैं थोड़ा टाइम अब नाइट में भी दूंगी स्टडीज़ के लिए, और जैसे भी टाइम निकले वैसे हमें टाइम बचाना है और उसको यूज़ करना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना जिसको आ जाता है वो सब कुछ काम बहुत अच्छे से कर लेता है, क्योंकि सबसे मेन यही होता है कि अगर हम एक नॉर्मल हाउसवाइफ है तभी भी हमें टाइम मैनेज तो करना ही होता है अपने कामों के बीच में, और अपने लिए थोड़ा टाइम अगर हम निकालना चाहते हैं तो और अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं तो, और इसी तरीके से हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें स्टडी के लिए टाइम चाहिए होता है, तो मतलब हर जगह पे टाइम तो मैनेज करना ही होता है, इसीलिए टाइम मैनेज करना ज़रूर आना चाहिए हर इंसान को, और टाइम की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा हमें करनी चाहिए, क्योंकि टाइम ऐसा है जो मतलब एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है, ये चीज़ हम सबको पता है, मगर फिर भी हम इतना ज़्यादा क्यों वेस्ट करते हैं इसको रील्स देखने में और मोबाइल चलाने में, पता नहीं, फिर भी हम सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। हमें हमारी इस कमी को सुधारना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पे काम करना चाहिए ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। और यहाँ पर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, और अभी मैं तब तक पढ़ूंगी जब तक हनु आ नहीं जाता है, और उसके आने के बाद ही मैं अदर वर्क कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे स्टडी करनी है अच्छे से। तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, और मैंने लगभग नाइन पर बैठी थी मैं, और अभी 11:30 टाइम हो गया है, तो मैंने 11:30 तक स्टडी की है, और अभी 15 मिनट के बाद हनु आने वाला है, तो मैं गर्म पानी लगा दूंगी क्योंकि मुझे उसको भी नहलाना है, वो आने के बाद मैं उसको नहलाती हूँ और बाकी झाड़ू वगैरह ये सब कर दूंगी, और फिर उसके आने के बाद तो उसके काम शुरू हो ही जाते हैं यहाँ पर। तो और आज उसकी फ्रेंड भी उसके साथ यहीं पर आने वाली है, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं, तो आज वैसे भी मेरी स्टडी हो नहीं पाएगी उसके आने के बाद भी, अब दिन में ही स्टडी के लिए बैठूंगी लंच वगैरह करके, और अपना जो भी काम है नहाना धोना वो सब करने के बाद। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है, और आप लोगों के पास अगर कोई अच्छे से टिप हो स्टडी करने के लिए तो मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर हनु नहा के और आ गया था, उसने नया नया अभी माचिस जलाना सीखा है, तो वो बहुत इंजॉय कर रहा है इस चीज़ को, और दीपक लगा के वो बहुत खुश होता है पूजा करके, तो इसीलिए वो पूजा कर रहा था यहाँ पर। और फिर मैंने उसके लिए खाना बनाया, और उसने और उसकी फ्रेंड दोनों ने
ऊपर छत पे धूप में बैठ के खाना खाया। तो वो आज बहुत इंजॉय कर रहा था अपनी फ्रेंड के साथ, और मैं उनको गरम गरम खाना खिला के और फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ पर। वो चली गई थी उसकी फ्रेंड, फिर मैं पढ़ने के लिए बैठी थी दोपहर में, और अभी टाइम यहाँ पर 3:30 हो गया है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहिए और अपना ख्याल रखिए सर्दियों में, क्योंकि अभी विंटर्स में अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेक केयर, बाय बाय।